मेरे ख्याल से जैसा खुरम ओवर कर रहा था, लेकिन वो मेरे ख्याल से चेजेबल थे, लेकिन शॉटें लगी नहीं है। समटाइम होता है एक मोमेंटम जहां लूज होता है ना, तो फिर फोकस हट जाता है, शॉटें मिस होना शुरू हो जाती है। जैसे फुल टॉस हो रही थी, नो बॉल हुई, फ्री हिट पे बाउंड्री नहीं लगी, जिसका फायदा पिशावर जलमी को हुआ और 2 रन से मैच जीत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये है T20 क्रिकेट, ये है PSL, जो आज दूसरा मैच भी मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली गई है और बड़ी हाई इंटेंसिटी के साथ क्रिकेट खेली गई है। और दिखाया T20 क्रिकेट में बड़ा चेस करना हो तो कितनी प्लानिंग होती है, कितनी समझदारी, गेम अवेयरनेस कितनी जरूरी है, जो दोनों टीमों की तरफ से एक्सपीरियंस प्लेयरों ने दिखाया। पेशावर जलमी के 2 आउट जल्दी हो गए हुए थे, बाबर आजम, टॉम कैटमोर की जो पार्टनरशिप लगी ऑलमोस्ट 140 रन की, जिसकी वजह से 199 रन बने हैं। मेरे ख्याल से जितना अच्छा स्टार्ट मिल गया था वो आने वाले बैट्समैनों के लिए एक बड़ा जबरदस्त मोमेंटम था, जिमी निशम के लिए, राजा पक्ष के लिए। उसके बाद फिर मेरे ख्याल से ये 210-15 रन बनने चाहिए थे, 15-20 रन कम किए, जितना जबरदस्त मोमेंटम बना के दे दिया था बाबर की और टॉम कैटमोर की पार्टनरशिप ने। बाबर ने 68 रन बनाए, जबरदस्त बैटिंग की, 2 आउट होने के बाद संभला, थोड़ी स्ट्राइक रोटेट की है, एंड संभाला। उसके बाद जैसे टॉम कैटमोर का मोमेंटम बना, उसके बाद फिर बाबर भी शुरू हुआ, फिर देखें कि 10 रन, 15 रन, 12 रन हर ओवर में ले रहे थे, जिसका फायदा हुआ। जब मोमेंटम बन जाता है ना, उसको फिर कैरी ऑन करना पड़ता है। तो बाबर में आज की इनिंग्स में फर्क आपने देखा होगा कि उसने मोमेंटम जैसे ही पकड़ा तो उसके बाद लूज नहीं किया, तो ये अच्छा साइन है बाबर के लिए भी, पेशावर जलमी के लिए भी। मजा आया उसकी बैटिंग देखने का। उसके बाद टॉम कैटमोर इंग्लैंड टीम के लिए, मैं समझ रहा हूँ जैसे हैरी ब्रुक लास्ट ईयर लाहौर कलंदर से खेल के गया था, परफॉर्म किया था, उसकी बैटिंग, उसकी पावर हिटिंग, गेम अवेयरनेस, जो इनिंग्स बनाई है उसने, जो पावर हिटिंग दिखाई है, अनबिलीवेबल। इंग्लैंड टीम के लिए मेरे ख्याल से ये अब प्लेयर कंप्लीट तैयार है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए, जो उसने आज बैटिंग करके दिखाई है। टॉप की बॉलिंग, बड़े बॉलर से इमरान ताहिर जैसे बॉलर्स को संभलने नहीं दिया, खेलने नहीं दिया, बॉलिंग नहीं करने दी उसने, बस अपनी शॉट्स और पावर हिटिंग दिखाई है। 92 रन बनाए, अनलकी रहा, लेकिन मजा आया बैटिंग देखने का, मजा आया पार्टनरशिप लगाने का। प्रेशर जब आता है तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स का होना कितना जरूरी है, इस पार्टनरशिप ने दिखाया, जिसकी वजह से 199 रन बनाए हैं। जिमी निशम ने 19 रन बनाए हैं, राजा पक्ष और अच्छा खेल सकता था, अभी 10-15 रन और बनने चाहिए थे, लेकिन क्रिकेट कराची किंग ने भी पैचिस में बॉलिंग अच्छी की है, जिसकी वजह से स्कोर 10-15 रन कम हुए हैं। बॉलिंग में एंड्रू टाय ने 2 विकेटें ली हैं, इमरान ताहिर एक्सपेंसिव रहा, इमाद वसीम एक्सपेंसिव रहा, 42 रन में कोई विकेट नहीं ली, आमिर एक्सपेंसिव रहा, लेकिन ये सारे खेलते हुए आ रहे हैं, एक्सपीरियंस है, मैच विनर है। लेकिन T20 क्रिकेट में जब 2 बड़ी टीमें खेल रही होती हैं तो बॉलर्स को मार पड़ती है, बॉलर्स के लिए मार्जिन बड़ा कम होता है। वही आज चीज नजर आई है दोनों साइडों की तरफ से बॉलिंग को, कि मार्जिन बहुत कम है, जब ऐसी पिच बनी हो तो बैट्समैन डोमिनेट करते हैं, जो सेट हो जाता है। उसके बाद चेज में आप देखें, जैसे चेज करने आए हैं, 2 आउट हो गए थे अर्ली, जैसे शर्जील वहाबराज की पहले ओवर में ही आउट हो गया था, थोड़ी पार्टनरशिप लगी, 3 ओवर में 35 रन बने। मैथ्यू वेड की बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी, जिमी निशम को लाया, 4th ओवर करवाया, विकेट मिली, वहां से थोड़ा सा बैक फुट पे, फिर हैदर अली आउट हो गया, कासिम अकरम आउट हो गया, लेकिन जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, जो T20 को समझते, गेम अवेयरनेस समझते थे, उन्होंने देखे कितना जबरदस्त मैच बनाया कराची टीम की। इमाद वसीम के 80 रन, शुएब मलिक के 58 रन। शुएब मलिक का उस वक्त आउट होना मेरे ख्याल से पेशावर जलमी के लिए एक तरफ से लगा कि वो जीतने की पोजीशन पे है, लेकिन लास्ट ओवर तक जैसी बॉलिंग हुई है, खुरम ने की है, लग नहीं रहा था, नो बॉल, फुल टॉस हो रहे थे, लेकिन शुएब मलिक का उस वक्त आउट होना मेरे ख्याल से पेशावर जलमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। विकेट मिली, जैसे कल रिजवान ऐसे टाइम पे आउट हुआ तो मुल्तान सुल्तान हार गई, आज कराची किंग के साथ ये हुआ है। लेकिन उसके बाद बैंक कटिंग आया, बड़ी हिट नहीं लग सकी, अच्छी बॉलिंग की है वहाब ने, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, 2 विकेटें ली हैं, जिमी निशम ने 2 विकेटें ली हैं, सलमान अरशाद को एक्सपेंसिव रन हुए हैं, और उसके बाद आप देखें कि खुरम को एक्सपेंसिव रहे हैं, फिर 9 बॉलें हुई हैं, लेकिन बड़ा टोटल था, प्रेशर था, लास्ट ओवर में 16 रन मेरे ख्याल से जैसा खुरम ओवर कर रहा था, लेकिन वो मेरे ख्याल से चेजेबल थे, लेकिन शॉटें लगी नहीं है। समटाइम होता है एक मोमेंटम जहां लूज होता है ना, तो फिर फोकस हट जाता है, शॉटें मिस होना शुरू हो जाती है, जैसे फुल टॉस हो रही थी, 9 बॉल हुई, फ्री हिट पे बाउंड्री नहीं लगी, जिसका फायदा
पेशावर जलमी को और 2 रन से मैच जीता। लेकिन इस मैच में मेरे ख्याल से जो मजा आया देखने का, बॉडी लैंग्वेज दोनों टीमों की, जो एक फाइट नजर आई है T20 की, जो एक फ्रेंचाइज क्रिकेट में नजर आती है फाइट जीतने की, हंगर जो नजर आती है वो चीज नजर आई दोनों टीमों ने। गिव अप नहीं किया, कैप्टनसी दोनों तरफ से अच्छी हुई है। इमाद वसीम के 80 रन और शुएब मलिक के 58 रन, दोनों टीमों की तरफ से जिन बैट्समैनों ने रन किए उनको एक्सपीरियंस था T20 का, उनको पता था कि मैच को कैसे लेके चलते हैं। प्रेशर वाला मैच था, आपको पता कि मीडिया बेस्ड मैच को लेके कितना ले बातें की जा रही थी, तो आज नजर आया कि ग्राउंड में कितना काम और सुकून और अपने अपनी टीम के लिए कितना जबरदस्त परफॉर्म किया। ये सारे एक प्लेयर है, मैच विनर है, तो मेरे ख्याल से ऐसी क्वालिटी PSL क्रिकेट में ही नजर आती है। जो टीमें दोनों मैचेस जो हमने देखे PSL के, जबरदस्त और हाई इंटेंसिटी के साथ हुए, मजा आया, इंजॉय किया। पेशावर जलमी मेरे ख्याल से लकी रहा लास्ट ओवर में, लास्ट ओवर तक इतना जाना नहीं चाहिए था, स्कोर ओवर होना चाहिए था, लेकिन पैचेस में बॉलिंग फिर मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी नहीं हुई, अच्छी कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी और फिर जाके हम लोग पेशावर जलमी, मेरी तो पेशावर जलमी हम लोग और अच्छी बॉलिंग करेंगे। साकिब के ओवर करने बड़े ज़रूरी हैं, अच्छे 3 ओवर किए हैं उसको, 32 हुए हैं, लेकिन यह है कि एक कंप्लीट बॉलिंग है, थोड़ी ड्यू भी पड़ रही होगी, मुश्किल हो रही होगी, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि स्टिल बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री है पेशावर जलमी के लिए। नज़र आ रहा था ड्रेसिंग रूम भी, डग आउट भी कितने प्रेशर में थी, मैनेजमेंट प्लेयर्स कितने मैनेज प्रेशर में थे, कराची किंग के देखें कि क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, और नज़र आ रहा था कि इस मैच को लेके कितने सीरियस थे दोनों टीमें।